वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी बचेगा वो हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइट्स कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, डायसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। और सेकेराइड मतलब शुगर होता है, सेकेराइड मतलब शुगर होता है। तो पहले देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। पॉलीसेकेराइड्स आर लार्ज चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और ये शुगर वो कॉमन शुगर की तरह नहीं है, जो हम खाते हैं वो शुगर नहीं है। ये मतलब सेकेराइड्स मतलब शुगर होता है। अभी ये शुगर वो टेबल शुगर नहीं है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स ग्लाइकोजन, एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन, ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज पॉलीमर, स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज पॉलीमर। ग्लूकोज पॉलीमर को हम स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोजन इज अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट मतलब जो एनिमल सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट। और एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज अवेलेबल इन वेजिटेरियन डाइट। ये देखिए वेजिटेरियन डाइट मतलब प्लांट से, प्लांट बेस्ड ऑरिजिन है। अभी अगर डेयरी में डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ तो वो भी तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर आता है, लेकिन वो नहीं होगा, सिर्फ प्लांट ओरिजिन मतलब ये होगा वेजिटेरियन डाइट मतलब प्लांट सोर्स। और नॉन वेजिटेरियन डाइट मतलब एनिमल सोर्स। ठीक है, डाइसेकेराइड्स मेड अप ऑफ टू मोनोसेकेराइड, तो दो मोनोसेकेराइड यूनिट होगा। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये है टेबल शुगर, जो हम शुगर बोलते हैं ये है टेबल शुगर। ये नॉर्मल जो हम शुगर खाते हैं खाने के थ्रू वो है टेबल शुगर। और ये है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। शुगर अवेलेबल इन मिल्क, मिल्क थोड़ा सा मीठा होता है, तो वो जो मिठास आता है वो ये लैक्टोज की वजह से होता है। और फिर मोनोसेकेराइड्स, मोस्टली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कंज्यूम थ्रू डाइट। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसे हम बोलते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अभी आते हैं फ्लो चार्ट में। तो पहले माउथ से शुरू करते हैं। देखिए माउथ है, तो माउथ में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो पॉलीसेकेराइड्स जो कि होगा कुक्ड स्टार्च। देखिए कुक्ड स्टार्च होना जरूरी है। कुक्ड स्टार्च को क्या करता है? डाइसेकेराइड्स, डेक्सट्रिन और मेल्टोस में चेंज करता है, मतलब ब्रेक करता है। तो डाइसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स डेक्सट्रिन एंड मेल्टोस, इन सभी में ब्रेक करता है पॉलीसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड मतलब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड, और डाइसेकेराइड मतलब टू यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, ये होता है माउथ में, सलाइवरी एमाइलेज होता है। अभी आते हैं स्टोमैक में। स्टोमैक में वीक एमाइलेज होता है। इसलिए एक्शन नेग्लिजिबल होता है।
एक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अभी आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में टू टाइप्स का एंजाइम होता है, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो पैनक्रियस से निकलता है, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और एक होता है सक्कस एंटेरिकस। ये हम बाद में देखेंगे, ये दो का क्लासिफिकेशन, पहले ये एब्जॉर्प्शन खत्म कर लेते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में, तो मोनोसैकेराइड्स, बेसिकली देखिए यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स था, ब्रेक होते होते ये मोनोसेकेराइड्स बन जाएगा, तो मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, मोनोसेकेराइड्स मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, और ये कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, लुमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज में इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली हम पिछले पेज में ही देखे थे कि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरीके का एंजाइम प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सक्कस एंटेरिकस। तो अभी आते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक करता है डेक्सट्रिन, मेल्टोस और मेल्टोट्रायोस में। यही होता है, बस इतना ही, डेक्सट्रिन, मेल्टोस और मेल्टोट्रायोस। देखिए अभी आते हैं सक्कस एंटेरिकस में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी सक्कस एंटेरिकस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम का नाम होता है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिए शुक्रेज प्रेजेंट होता है, मेल्टेज प्रेजेंट होता है, लैक्टेज प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रिनेज प्रेजेंट होता है, ट्रीहेलेस प्रेजेंट होता है, TREHALAC ट्रीहेलेस। ये होता है एंजाइम, तो ये जो मैंने लिखा ये हुआ एंजाइम। अभी ये कौन कौन सा शुगर चेंज करेगा, ये पूरा का पूरा एंजाइम है। देखिए ये एंजाइम है, ठीक है ये पूरा। इसके बाद मैं शुगर्स लिख लेता हूँ, क्या क्या शुगर्स चेंज करते हैं मतलब ब्रेक डाउन करते हैं ये। देखिए शुक्रेस क्या लग रहा है, शुक्रोज होगा, मेल्टेस मेल्टोज होगा, लैक्टेस लैक्टोज होगा, डेक्सट्रिनेज डेक्सट्रिन होगा। अच्छा ये डेक्सट्रिन, मेल्टोस और मेल्टोट्रायोस तीनों होगा। एंड मेल्टोट्रायोस, और ये मेल्टोस और मेल्टोट्रायोस ये दोनों होगा।
ठीक है। और ये ट्री हेलेस, ये होगा ट्री हेलोज, ठीक है। अभी देखिए जिस जिस फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होगा ये मैं लिखने वाला हूँ, तो सुक्रोज को करेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये मेल्टोज और मेल्टोट्राइज को करेगा ग्लूकोज में, ये लैक्टोज को करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये डेक्सट्रिन मेल्टोज और मेल्टोट्राइज को करेगा ग्लूकोज, ट्रीहेलोज को करेगा ग्लूकोज में। तो ये ख़त्म हो गया पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सक्कस एंट्रिकस का क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए ये होगा शुगर्स और ये होगा एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो रेड से लिखा हुआ है वो सब एंड प्रोडक्ट्स होगा, जो ग्रीन से लिखा हुआ है वो शुगर होगा, और जो ब्लू से लिखा हुआ है वो एंजाइम्स होगा। तो अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली एज मोनोसेकराइड, तो मोनोसेकराइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, जो कि होगा ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द एपिथेलियल सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई मीन्स ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट, ऑल्सो नोन एज सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट मैंने क्या बोला था कि देखिए ये हुआ सिम्पोर्ट, तो अगर ग्लूकोज जाएगा तो सोडियम भी जाएगा, मतलब एक ही डिरेक्शन में जाएगा, सिम्पोर्ट मतलब सेम डिरेक्शन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब ये ग्लूकोज हुआ और ये सोडियम आयन हुआ, तो ये सेम डिरेक्शन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी के थ्रू हेल्प लेके सेम डिरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। तो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लुमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटू एपिथिलियल सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द एपिथिलियल सेल ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इंटू द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन मतलब जो कि जो वेन सब न्यूट्रिशंस लेके लीवर के अंदर जा रहा है उसको हम बोलेंगे पोर्टल वेन, बाय फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सोडियम आयन मूव्स इंटू द इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाएगा सोडियम आयन, देखिए पोर्टल वेन में नहीं जा रहा है सोडियम आयन। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सोडियम आयन ब्लड के अंदर जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी लगता है। अभी देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज, एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन द सेम मैकेनिज्म एज दैट ऑफ ग्लूकोज, मतलब सी ये सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा गैलेक्टोज के लिए भी। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय मीन्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर एब्जॉर्बिंग, मतलब ये देखिए पहले ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज जैसे एब्जॉर्ब होता है वैसे ही एब्जॉर्ब होगा, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ही फ्रुक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।